हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 2D कटिंग कैसे करते हैं, 8KM CNC राउटर में 2D कटिंग कैसे करेंगे। तो मैं आज उसका वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कोरल ड्रॉ की फाइल आई, तो इसको राइट क्लिक करके अनराइलिंग करते हैं, फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम एक्सपोर्ट कर लेंगे हम डेस्कटॉप पे, जैसे कि एक नंबर दे देता हूँ इसको। यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट हो गई दोस्तों। अब मैं खोलता हूँ 8KM, ये अपना 8KM। क्रिएट न्यू मॉडल पे जाता हूँ। ये रेजुलेशन हमेशा बढ़ा कर रखना दोस्तों, 3D में काम आएगी आपकी। ये कम होगी तो लाइनिंग आएगी वर्किंग में। ये देखिए, अब यहाँ से इम्पोर्ट वेक्टर लेते हैं। पहले इम्पोर्ट वेक्टर में गए, यहाँ एक नंबर दिया था हमने डेस्कटॉप पे, जो फाइल है हमारी डेस्कटॉप पे है एक नंबर की। ये रही, ये हमारी फाइल आ गई 2D कटिंग की। अब इसको कोने में हमें मशीन यहाँ से स्टार्ट, कोने से स्टार्ट करनी है, टॉप टू बॉटम से, बॉटम साइड से। तो डबल क्लिक करेंगे वेक्टर पे, वेक्टर टूल में, और यहाँ कोने पर क्लिक करेंगे, यहाँ जीरो कर देंगे, यहाँ जीरो कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी वो जो साइज कोरल में थी वही साइज है हमारी। ठीक है, हमें इसकी साइज देखनी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ सेट साइज सेलेक्ट वेक्टर, ये देखिए MM में आ रही है। यहाँ से करेंगे तो इंच में बता देगा ये, 24x10 इंच की है हमारी साइज। MM में कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी टूल पाथ बनाते हैं, 2D टूल पाथ बनाएंगे हम। यहाँ से 2D टूल पाथ में आ जाएंगे, 2D टूल पाथ में यहाँ से आएंगे। इसमें दोस्तों देखिए, तीन टूल पाथ होते हैं, एक तो लाइनिंग पे चलता है और एक ये इनसाइड आउटसाइड। तो हमें आउटसाइड काटना है, तो यहाँ फिनिश टेप, जैसे कि हम 12mm शीट कटिंग करेंगे, तो यहाँ हमें 12mm शीट फिनिश टेप आ गया। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट टूल, हम किससे काटेंगे, तो मैं ये काटूँगा 4mm से भी काट सकते हैं, अब मैं 6mm एंड मिल से काटूँगा। तो यहाँ 6mm एंड मिल से यहाँ एडिट कर लेंगे, यहाँ कितनी स्टेप में काटेगा, ये स्टेप है। यहाँ मैं 12mm काट रहा हूँ, तो 6 दोबर में काट लूँगा। यहाँ 3 भी कर सकते हो आप, जितनी स्टेप में काटना चाहोगे यहाँ उतनी स्टेप में दे। तो हम मैं 6mm एक बार में, 6mm एक बार में, तो दोबर में कटिंग हो जाएगी हमारी। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, किसी को ये देखना नहीं, ये दो स्टेप में हो जाएगा यहाँ से, और ये दो स्टेप और है बिट का वो लेगा, और ये स्टेप ये है। तो अब यहाँ से मटेरियल में जाएंगे, मटेरियल हमारा कितना MM का है, तो हमारा तो 12mm का मटेरियल है, तो हमें 12mm यहाँ लगाना है, इसको ऊपर रखना है, इसको यहाँ क्लिक करके ओके दबाना है, फिर यहाँ जो भी फाइल का नाम दे देना है, तो नाव पे क्लिक कर देना है। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको क्लिक किया, अब इसको नाव पे क्लिक कर देंगे सब। ये देखिए हमारा टूल पाथ बन गया है, ये जो बाहर वाला लाइन है ये हमारा टूल पाथ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं टूल पाथ तो बन चुका है हमारा, अब इसको क्लोज कर देंगे हम। अब इसको देखेंगे कि मशीन कैसी कटिंग करेगी, तो अब हम 3D व्यूज में चले जाएंगे। ये देखिए टूल पाथ दिखा रहा है हमारा, टूल पाथ बन चुका है, यहाँ से क्लिक करेंगे इसको, और इधर हम जूम कर लेंगे इतना, ये देखिए जूम हो गया। अब हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, सिमिलर करेंगे हम इसको, राइट क्लिक करेंगे, सिमिलर टूल पाथ यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ रहने देंगे, और यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए हमारे दो स्टेप में काटेगी मशीन, हर पर डबल पर घूम रही है, 6mm एक बर में, 6mm एक बर में, मतलब 12mm दो स्टेप में काटेगी। ये देखिए हमारी दाढ़ी ऐसी कटिंग हो जाएगी बोलते, ये देखिए फाइनल कट भी हो जाएगा हमारा, और ऐसे दाढ़ी कटिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको सेव करना है, तो हम 2D में आ जाएंगे वापस, और यहाँ सेव टूल पाथ, सेव टूल पाथ में आएंगे। ये रहा हमारा, यहाँ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कोड होते हैं, तो हमारी मशीन लेती है G कोड MM टेप, ये फाइल लेती है हमारी मशीन। यहाँ से सेव कर देंगे, जहाँ भी हमें सेव करना है, जो भी नाम देना है, जैसे मैं ये दे देता हूँ, ये देखिए यहाँ ये जी कोड टेप रहेगा, और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये हमारी फाइल आ गई
सेव हो चुकी है हमारी फाइल, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आगे भी मैं आपको 3D कटिंग 3D डिज़ाइनिंग वगैरह बताता रहूँगा। आप अभी मुझसे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ईमेल बॉक्स दिया हुआ है तो ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो आप लोग। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइए एक बार। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था।